चलते हैं तो दूसरी बातों को सोचते हुए नहीं चलते हैं, तो पांव से तो चलते हैं, पांव से चलना कर्म है कि नहीं है? पांव से चलना एक कर्म है, तो आप पांव से चलते हुए दूसरी बातों की याद करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, कभी चलते चलते बिल्कुल गंभीर बात दिमाग में आ जाती है, तो चलने की क्रिया आपके चिंतन में बाधक कहाँ होती है? अच्छा, हाथ से आप मशीन चला रहे हो तो आप दूसरी बात सोच सकते हैं कि नहीं? हाथ से मशीन चला रहे हो आप बिल्कुल दूसरी बात सोच सकते हैं, तो हाथ से मशीन चलाना कर्म है कि नहीं? कर्म करते हुए भी आपका चिंतन दूसरे स्थान पर रहता। अच्छा, कभी कभी कोई साधक आके ये प्रश्न करते हैं कि महाराज, हम माला तो फेंकते हैं परंतु हमारा मन दूसरी जगह चला जाता है, ये शिकायत आपको कभी होती है कि नहीं? होती है। तो आप जीभ से तो मंत्र या नाम बोलते हैं, वो कर्म है, और हाथ से माला फेरते हैं, ये भी कर्म है, और आसन बांध के बैठे हुए हैं, असल में ये भी कर्म है। तो आसन बांधना भी कर्म है, माला फिराना भी कर्म है, और जहवा से नामोच्चारण भी कर्म है, फिर भी आपका मन दूसरी जगह रहता है। इससे इतनी बात तो आप सीख सकते हैं ना कि कर्म का स्तर दूसरा है और मन का स्तर दूसरा है, तो इसको उलट दीजिए। ये उलटना क्या हुआ? तो मन को तो लगाइए आप परमात्मा में, अपने इष्ट देव में, चिंतन परमात्मा का कीजिए, और शरीर से दूसरे काम करते जाइए। मां मनुस्मर युद्ध च, बात तो वही हुई जो आप रोज करते हैं, जिसकी आपको आदत है। क्या आदत है? कि चलते हैं कहीं, सोचते हैं कुछ, हाथ से मशीन हिलाते हैं कोई और सोचते हैं कुछ। आपको तो अनुभव ही होगा, मैं बोलता हूं कुछ और सोचता हूं कुछ, आगे की बात से संगति मिला करके यदि नहीं बोलूं कि आगे मुझे क्या बोलना है, तो ये बोलने का क्रिया, ये बोलने की क्रिया नहीं हो सकते। तो हम एक बात बोलते जा रहे हैं और उसके आगे की दूसरी बात सोचते जा रहे हैं, तो चिंतन का स्तर बिल्कुल दूसरा है और कर्म करने का स्तर बिल्कुल दूसरा है। तो यदि आप चाहें तो मां मनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी करते जाएं और भगवान का स्मरण भी करते जाएं।
अरे तीर निकालो तर्कस में से राम एक है और धनुष पर चढ़ाया राम दो है और निशाने पर मारा राम तीन है ना, क्यों नहीं भगवान का स्मरण हो सकता। यहां एक बात और कह गई है कि जो लोग विषय भोग छोड़ देते हैं तो विषय भोग छोड़ देने से विषय और इंद्रियों के संयोग की व्यावृत्ति हो गई, विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। आपने आहार लिया नहीं, ठीक है, आहार लिया नहीं तो नासिका में आहार की गंध आई नहीं। अच्छा, आंख से आहार का रूप दिखा नहीं और हाथ से आहार को उठाया नहीं और जीभ पर आहार का स्वाद आया नहीं, तो विषय के साथ इंद्रियों का संबंध तो नहीं हुआ। आपने तपस्या की, अनशन किया, व्रत किया, आपकी इंद्रियों से भोजन का, आहार का संबंध कट गया, लेकिन क्या भोजन का राग भी मिट गया? माने विषयों का राग भी मिट गया क्या? तो केवल आहार छोड़ देने से विषयों का राग नहीं मिटता है। मान, ये केवल बाहरी तपस्या की बात नहीं है, कहने का निराहारस्य देहिनः विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। बोले 15 दिन भोजन नहीं किया, उपनिषदों में कथा आई है। फिर गुरु जी के पास आए, क्यों भाई तुम्हारा मन क्या सोच रहा है? स्त्यानम में मना, मेरा मन तो बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है। क्यों? 15 दिन से मैंने भोजन नहीं किया है, अब इस समय देखने में रुचि नहीं है, सुनने में रुचि नहीं है, सूंघने में रुचि नहीं है, छूने में रुचि नहीं है, काम करने में रुचि नहीं है, चलने में भी रुचि नहीं है। क्यों? कब मेरा मन बिल्कुल सुस्त पड़ गया है। ठीक है, सब इंद्रियों ने अपना काम छोड़ दिया, लेकिन क्या इंद्रियों के विषयों में जो राग है वो भी छूट गया? बोले रस वर्जम, राग नहीं छूटा, राग नहीं छूटा। रस माने राग, रसोत्र राग, राग नहीं छूटा। हम लोग एकादशी करते हैं तो क्या भोजन का स्वाद छूट जाता है? पहले तो दशमी को ही कुछ थोड़ा ज्यादा खाते हैं, कल एकादशी है, आज जिस शाम को खाना नहीं होता, दशमी की शाम को भोजन करना नहीं हो तो घर के लोग कहते हैं कि अरे भाई कल एकादशी है, इसका भी तो ख्याल रखो, आज शाम को जरूर कुछ खाएगा। और शास्त्र का विधान ये है कि एकादशी व्रत रहना हो तो दशमी के सायंकाल भी व्रत करना चाहिए, ये विधान है। और द्वादशी को भी सायंकाल व्रत करना चाहिए, द्वादशी को दिन में तो भोजन कर लो, पारणा कर लो, पर द्वादशी की रात में भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस तरह एकादशी दशमी से प्रारंभ होती है और द्वादशी की रात्रि तक चलती है। तो पहली बात तो ये है कि द्वादशी को तो इसलिए ज्यादा खाते हैं कि कल एकादशी थे, हैं? और दशमी को इसलिए ज्यादा खाते हैं कि कल एकादशी है। अब जब एकादशी आती है तो पहले से ही योजना बनती है, हैं? आज सिंघाड़े का हलवा बनेगा, आज कुटू की पूरी बनेगी, हैं? आज मखाने की खीर बनेगी, आज ये पकौड़ी बनेगी, आज ये रबड़ी मलाई खाएंगे। तो एकादशी करने से क्या आपके स्वाद की वृद्धि चली जाती है? अच्छा कहो, नहीं भाई हम तो एकादशी को कुछ नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं तब भी ये योजना बनती है कि अच्छा भाई आज तो सेब खाया, आम खाया, संतरा खाया, अब कल कढ़ी बनेगी घर में द्वादशी के दिन, तो क्या स्वाद का नाश हो गया? तो केवल भोजन छोड़ देने मात्र से या भोजन में परिवर्तन कर देने मात्र से किसी के मन से
राग की निवृत्ति नहीं हो सकते। ये भोजन का अभिप्राय है इंद्रियों के संपूर्ण आहार। श्री शंकराचार्य भगवान ने आहार शब्द का अर्थ किया है आहरियंते इति आहारा विषया। आंख से देखना भी भोजन है, कान से सुनना भी भोजन है, त्वचा से छूना भी भोजन है, और नासिका से सूंघना भी भोजन है। केवल जिह्वा से ही भोजन नहीं होता है, हमारी सब इंद्रियों से भोजन होता है। तो यदि विषय लेना छोड़ो, थोड़ी देर के लिए मन बंद कर दें, आजकल लोग बताते हैं कि भाई तटस्थ हो जाओ, मन से तटस्थ हो जाओ, ये भी एकादशी है बोला, एक मिनट की एकादशी, दो मिनट की एकादशी, पांच मिनट की एकादशी, ये पांच मिनट के लिए विषयों का चिंतन छोड़ करके बैठ जाना भी अपने मन के विषयों में है, मन को विषयों में न जाने देना, ये भी एक प्रकार की पांच मिनटी एकादशी है ना, एक मिनटी एकादशी है। तो क्या पांच मिनट तक हम विषयों का चिंतन नहीं करते हैं? समझो पांच मिनट दुकान की याद नहीं आई तो क्या दुकान से आपका राग छूट गया? पांच मिनट शत्रु की याद नहीं आई तो क्या द्वेष छूट गया शत्रु से? या पांच मिनट आपको अपने बाल बच्चों की याद नहीं आई तो मोह छूट गया? रस वर्जन। पांच मिनट नहीं, घंटे दो घंटे हो, तो हमारे कई सेठ जी तो ऐसे हैं जो तीन तीन घंटे सवेरे पूजा करते हैं, तीन तीन घंटे, चार चार घंटे सवेरे पूजा घर में रहते हैं, कोई शंकर जी की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण की करते हैं, कोई जाप करते हैं, कोई आसन से बैठते हैं, कोई ध्यान करते हैं, ऐसे हैं। लेकिन जब वो दुकान पर जाते हैं तो उनके मोह में कोई फर्क पड़ गया ऐसा तो देखने में नहीं आता है, और उनके द्वेष में उनका शत्रु शत्रु रहा, जिनसे मोह है उनसे मोह रहा, जिनसे राग है उनसे राग रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो आपने पांच मिनट की केवल एकादशी की थी, राग की निवृत्ति तो हुई नहीं। और जब तक रक्त है, दुष्ट है और मूढ़ है, ये न्याय दर्शन में तीन दोषों को ही मुख्य बताया गया है, राग है, द्वेष है और मोह है, ये तीन दोष जब तक मन में बैठे हुए हैं तब तक एकादशी के दिन भोजन न करने से, या पांच मिनट चुपचाप, या पच्चीस मिनट, या पांच घंटे चुपचाप बैठने से राग द्वेष और मोह के जो संस्कार हैं वो निवृत्त नहीं होंगे। वो तो आदमी जब किसी बात की तारीफ सुनता है तो उसके सत्व का पता मनुष्य के तक चलता है, मनुष्य के भीतर कितना धैर्य है, कितना सत्व है, इसका पता कब चलता है कि जब किसी की तारीफ सुन सुन के भी, है ना, तारीफ सुन सुन के भी हमारा मन विचलित न हो, और निंदा सुन सुन के भी हमारा मन विचलित न हो, तब तो बुद्धि स्थिर होती है। और यदि प्रशंसा सुन के मन विचलित हो गया, ये लोग समझते हैं जैसे जुआ खेलने वाले समझते हैं कि एक दिन जुआ खेलेंगे और लखपति हो जाएंगे, जैसे सत्ता वाले समझते हैं कि सत्ता करने से हमको फायदा हो जाएगा, वो भूल है बोला। हमारा एक मित्र था, उसको सपने आते थे उस सत्ते के, तो उसको फीचर, फीचर कुछ होता है ना, फीचर हमको मालूम नहीं है, कुछ फीचर होता है, ये ब्रिटिश सरकार थी जब की बात है, मैं बंबई में आके रहता था, तो उसको फीचर के नंबर आ जाते थे उसको स्वप्न में। तो मैंने उसको एक बार, दो बार, तीन बार समझाया। एक बार तो हम दो तीन जनों ने मिलके उसके हाथ में गंगा जल दे के कसम खवाई कि तुम सौदा मत करो ऐसा, लेकिन नहीं माना, और ठीक आता था। मुश्किल तो ये थी कि वो बिल्कुल ठीक आता था, इसलिए हमारी बात तो बिल्कुल मानता ही नहीं था। एक दिन हमारे कहने से वो सब, है ना, ना भी करे तो
तो दूसरे फिर वही आ जाता था, जो उसके सपने में आया था वही नंबर आया, बोले कि देखो आज तुम्हारा घाटा हो गया हमारा, है ना। उसके पास 5-6 तो मकान थे मुंबई में और 50 लाख के लगभग रुपया था। एक दिन महाराज ऐसा उल्टा सपना आया कि सपने के अनुसार चला है? और स्वाहा हो गया, अभी वो बम्बई में रहता है भला, अब अपने मकान में नहीं है, वो किराए के मकान में रहता है, अब वो अपना व्यापार नहीं करता है, अब वो नौकरी करता है। इसके बाद फिर कोई आखिरी सपना जो था, और सब सपने ठीक आए परंतु आखिरी सपना बंटाधार करके चला गया बिल्कुल। तो कहने का अभिप्राय आपको ये है कि जैसे ये लालची लोग जो है ना, वो सपने से बिना व्यापार के बिना पूंजी के चाहते हैं कि हमारे पास धन आ जाए, ऐसे जो लोग बिना अभ्यास के बिना साधन के चाहते हैं हमको जप न करना पड़े, प्राणायाम न करना पड़े, ध्यान न करना पड़े, हमें अपना मन भगवान में न लगाना पड़े, हमको परमार्थ की प्राप्ति एकाएक हो जाए, ऐसे लोगों के सामने जब कोई सत्ता बताने वाला आ जाता है ना, वो सत्ता ही बताता है आओ हम तुम्हें बिना ध्यान के भगवान मिलाते हैं, बिना प्राणायाम के भगवान मिलाते हैं, बिना जप के भगवान मिलाते हैं। तो पहली बात क्या करो कि अपना मंत्र छोड़ो, अपना गुरु छोड़ो, अपना इष्ट छोड़ो, आओ बिना कुछ किए हम मिला देते हैं। तो आपकी बुद्धि को वो भ्रष्ट तो कर देगा, लेकिन आपको बिना साधन के बिना अभ्यास के बिना ध्यान के बिना चिंतन के बिना जीवन निर्माण के भला बताओ वो ईश्वर किस काम का होगा है? जिसकी प्राप्ति होने पर भी आपके जीवन में परिवर्तन, आपके जीवन में परिवर्तन न हो। तो ये सारे साधन, सारे भजन, सारे अभ्यास जीवन में परिवर्तन करने के लिए हैं। ये इसके लिए नहीं है कि कोई सत्ते की तरह है ना, बिना पूंजी लगाए जैसे लोग धन कमा लेते हैं, वैसे कोई भगवान से कहेगा। आप ये सोचते हैं कि कोई भगवान का कान पकड़ के कहेगा क्या हो इससे मिल जाए, कोई समाधि को हुक्म देगा समाधि को कि इसके मन में आ जाओ तो समाधि आ जाएगी, आप ऐसा समझते हैं है? आप ऐसा समझते हैं कि किसी किसी की आज्ञा से परमात्मा का साक्षात अनुभव हमको तत्काल हो जाएगा? तो इसके लिए दीर्घ काल तक सत्कार बुद्धि से और निरंतर सतु निरंतर जीय, सतु दीर्घ काल निरंतर जीय, सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि एक दिन दो दिन नहीं दीर्घ काल तक करो और निरंतर बीच में नागा न करने पावे और श्रद्धा के साथ करो, तब तुम्हारा अभ्यास दृढ़ भूमि होगा। और जिसका अभ्यास दृढ़ भूमि होता है उसको परमात्मा का सत्य का यथार्थ का परमार्थ का प्राप्त होता है। ये लोग जो लोग आत्मा और ब्रह्म कहने में डरते हैं, उनके भय का कारण आप लोग ख्याल करते हैं, कभी दृष्टि देते हो कभी न देते हो, ये सत्य 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 जो लोग बहुत बोलते हैं ना, सत्य अस्ति है ऐसा बोलते हैं, उनको ये डर लगता है कि कहीं हम जिस सत्य का वर्णन करते हैं वो चेतन न हो जाए, है ना? क्योंकि सत्य तो जड़ को भी कहते हैं ना, सत्य तो जड़ को भी कहते हैं। तो वो जो लोग आपको सत्य सत्य अस्ति अस्ति करके बरगलाते हैं, वो इस बात के लिए डरते हैं कि कहीं वो चेतन दृष्टा न हो जाए, कहीं वो चेतन ईश्वर न हो जाए, कहीं वो चेतन ब्रह्म न हो जाए। परमात्मा की उपलब्धि का, उपलब्धि माने साक्षात्कार का एक उपाय ये भी है, अस्तित्व से वो उपलब्ध है, अस्ति 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 रूप से विषय बदलते रहते हैं, वृत्तियां बदलती रहती हैं, और चैतन्य आत्मा साक्षात रहता है ना। ये तत्व की उपलब्धि का प्रकार है अस्ति भाव। अस्ति भाव तत्व नहीं है, है भाव जो है वो चिद भाव की उपलब्धि की प्रक्रिया है, वो चिद भाव नहीं है। तो इसका अभिप्राय यह है कि केवल न तो केवल तपस्या से काम चलेगा, न केवल विषयों का चिंतन छोड़ देने से काम चलेगा, क्योंकि अंतःकरण में यदि रागादि दोष बने ही रह गए, अंतःकरण आपका ज्यों का त्यों, तो आप झूठे ही संतोष कर लो कि हमको ईश्वर मिल गया,
हमको समाधि मिल गई, हमको सत्य का साक्षात्कार हो गया। जब तक आप विक्षिप्त हैं प्रपंच में तब तक नारायण राग द्वेष होता है, मोह होता है, वो सब जो कहते हुए बना हुआ है। बोले रस रसोप्यस्य परम दृष्टवान वर्तते। यदि तुम्हें सबसे परे जो तत्व है परम परम पुरुषान न परम किंचित साकाष्ठा सा परा गति, उपनिषदों का कहना है कि आत्म वस्तु से परे दूसरी कोई चीज नहीं है। इंद्रिय परा यर्था अर्थे व्यस्तु परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। इंद्रियों से भीतर पंच तन्मात्रा है, पंच तन्मात्रा से भीतर मन है, है मन से भीतर बुद्धि है, बुद्धि से भीतर अव्यक्त है, और अव्यक्त से भी भीतर देश काल द्रव्य की बीज भूता जो प्रकृति है, उस प्रकृति से भी अंतरंग अपना आत्मा है, और अपने आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। साकाष्ठा सा परागति है, यही अंतिम सीमा है। आत्म सत्य जो है पराक सत्य जो है वो पराकाष्ठा नहीं है, आत्म सत्य जो है वो पराकाष्ठा है। तो जो लोग नास्तिक हैं, जड़वादी हैं, या है ना, या सत्य को विकिरण करने वाले हैं, विकिरण करने वाले माने अनेक रूप में उसको फैलाने वाले हैं, तो वे लोग यदि आपको सत्य 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 कह करके बहकावे, आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु सत्य हो ही नहीं सकती। तो जब आत्म सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, तो आत्म सत्य का साक्षात्कार हो जाने के बाद ये जो देह में मोह है, राग है, द्वेष है, ये सब के सब जो दोष हैं, इनकी निवृत्ति होती है। इनकी थोड़ी थोड़ी निवृत्ति होने से तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और परमात्मा का साक्षात्कार होने पर इनकी पूरी निवृत्ति होती है। ये इसमें शास्त्र का रहस्य है। ये बताते हैं अंतःकरण में तीन दोष है, एक तो मन, एक विक्षेप और एक आवरण। आप जानते ही हैं अंतःकरण में तीन दोष। तो मन दोष क्या है? पाप वासनाओं का उदय होना। और विक्षेप दोष क्या है? तो मन का चंचल होना। और आवरण दोष क्या है? आत्मा का अनुभव न होना। तो बोले ये तीनों अंतःकरण के दोष हैं, जब निवृत्त हो जाएंगे तब आत्मा का साक्षात्कार होगा। बोले नहीं, तीनों के निवृत्त हो जाने पर आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, उनके रहते ही होगा। ये क्या बात है? उल्टी बोल रहे हो, उल्टी नहीं बोल रहे हैं। मन का आप नाश कीजिए, माने पाप वासना को आप धो डालिए, और विक्षेप को एकाग्र कीजिए, एकाग्र माने आत्मनिष्ठ कीजिए, तब हो जाएगा आवरण भंग। बोला आत्मज्ञान से आवरण का भंग होता है। मन की निवृत्ति, पाप वासना की निवृत्ति धर्म से और उपासना से होती है, और विक्षेप की निवृत्ति योग से होती है। लेकिन आवरण की निवृत्ति कब होगी? कि जब वासना और विक्षेप दोनों को निवृत्त करके और आपकी वृत्ति ब्रह्मात्मैक्याकार होगी, तब आवरण का भंग हो जाएगा, और आत्मा के महत्व का, अनंतत्व का, अद्वितीयत्व का प्रकाश होते ही आवरण भंग हो जाएगा। तो अंतःकरण के दो दोष तो आवरण के रहते ही निवृत्त होते हैं, परंतु आवरण रूप जो दोष है वो आत्मज्ञान से निवृत्त होता है। तो अज्ञान रहते मल विक्षेप का नाश करना और ज्ञान के द्वारा आवरण का नाश करना, ये वेदांत की पद्धति है। तो असल में हमको इस प्रसंग की व्याख्या नहीं करनी थी, हम जीवन मुक्त, ये जो स्थित प्रज्ञ का प्रसंग है ना, हमको तो ये बताना था कि गीता जो है ये बुद्धि योग का ग्रंथ है, इसलिए इस प्रसंग को लिया था। तो परमात्मा का दर्शन हो जाने पर राग की संपूर्ण निवृत्ति,
और राग द्वेष आदि की किंचित निवृत्ति होने पर परमात्मा का साक्षात्कार। 5 मिनट के लिए आपके चित्त में राग द्वेष मोह न हो और महावाक्यार्थ का साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो राग द्वेष मोह की समग्र निवृत्ति हो जाएगी। अब दूसरी बात आपको सुनाते हैं। वो कल बताया था कि बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले 8 पदार्थ हैं, वो आपको कल सुनाया ही था। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु जायते। जब आप विषय का ध्यान करेंगे, विषय का ध्यान, ध्यान करने का अर्थ यह है जान बूझ करके ध्यान। एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज से मैंने पूछा, महाराज क्या ध्यान करें? बोले जो मौजूद हो कर। मैंने कहा कि जो मौजूद सो करो, इसका क्या मतलब है? हम अपने शरीर का ध्यान करें? बोले हाँ करो। मैंने कहा देह का ध्यान करने से तो जड़ता आवेगी जीवन में। तो बोले कि नहीं, उपादेय बुद्धि से ध्यान करोगे तब बुद्धि में जड़ता आवेगी, और हेय बुद्धि से ध्यान करोगे तो छूट जाएगा। जिस चीज को हम देखते हैं उससे तो न्यारे होते हैं। जब तुम माला को देखते हो तो समझ जाओगे कि मैं माला से न्यारा हूँ, देह को देखोगे तो देह से समझ जाओगे कि मैं देह से न्यारा हूँ। ये तो जब मैं देह हूँ ऐसा ध्यान करोगे तो देह में और तादात्म्य हो जाएगा, परंतु मैं देह को देख रहा हूँ ऐसा ध्यान करोगे तो जो देह को देख रहा है वो देह से न्यारा है। इसका देखो सार क्या हुआ कि हम किस बुद्धि से ध्यान करते हैं इसका संबंध है। यदि हम त्याज्य बुद्धि से देह का ध्यान करते हैं तो त्याग हो जाएगा, और उपादेय बुद्धि से देह का ध्यान करते हैं तो उपादान हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा, और अपेक्षा उपेक्षा छोड़ करके यदि उदासीन बैठे हैं तो देह के ध्यान करने की कोई जरूरत ही नहीं है। संस्कार तो तभी बनते हैं जब हम किसी चीज को पकड़ने के लिए या छोड़ने के लिए उसका ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने से संग होता है, ध्यान करने से संग होता, संग माने आसक्ति होती है, तदाकार वृत्ति होती है, और उसमें मनुष्य संलग्न हो जाता है, और संग से फिर कामना होती है कि ये चीज हमको मिले, और जब मिले ये कामना होती है तो मिल जाए तो लोभ होगा कि और मिले, और न मिले तो रोकने वाले पर क्रोध आएगा, और क्रोध से क्या होता है कि अपनी वृत्ति का प्रत्याघात अपने आप को ही लगता है, वो अपनी वृत्ति ही अपने को, वृत्ति ही अपने को सताने लगती है। अन्योन्य प्रत्याघातात् संस्काराणाम् उपमर्दः सम्मोहः। एक मन हुआ चलो सिनेमा देख आए, एक मन हुआ ध्यान कर लें, एक मन हुआ सो जाएं, अब क्या करें? इसके लिए वृत्तियों का जब अपने में संघर्ष हुआ, जब अपने मन में ही अपनी वृत्तियां लड़ने लगी, तो वृत्तियों का संकर हो जाने से सम्मोह हो गया, और सम्मोह होने से पुरानी जो पढ़ी लिखी सीखी बातें हैं वो सब छूट गई। ये नहीं समझना कि ये जो दोष का निवर्तन है, निवृत्ति है दोष की, ये अपने आप होगी। दोष डाले गए हैं अपने जीवन में, इसलिए जब किसी चीज में एक बार रंग मिल जाता है या मिला दिया जाता है तब उसको दूर करना पड़ता है। तो दोष को दूर करने का संस्कार होता है, गुण को डालने का संस्कार होता है, और हीनता को, जो हीनांग है उसको पूर्ण, जैसे किसी के पांव नहीं है तो जोड़ देते हैं उसको पांव, इस प्रकार हमारे मन में कौन कौन से दोष हैं उनको निकालना, कौन कौन से गुण अपने मन में डालना, शांति दांति आदि गुण डालना, और राग द्वेष आदि को निकालना, और जिस वस्तु का ज्ञान अपने को प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की कोशिश करना। तो ये 3 बात जीवन में चाहिए। अपने दोष को समझ के छोड़ो, जो गुण चाहिए उन गुणों को अपने अंदर ले आओ, और जिस ज्ञान की कमी है आपके अंदर, अभी तक जो ज्ञान आपने नहीं प्राप्त किया है,
परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। तो क्यों नहीं किया है? बोले परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता तो ये आटो आप मुक्त हो गए होते, आपका ये जन्म ही न हुआ होता। यदि पिछले जन्मों में ज्ञान हुआ होता तो ये जन्म आपका हुआ ही न होता, और इस जन्म में यदि आपको ज्ञान हो गया होता तो आप जीवन मुक्त होते। तो अब ये प्रश्न इसके बाद आया, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशः। बुद्धि का नाश, बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का नाश हो जाता है। असल में बुद्धि ही मनुष्य है। मनुष्य का मनुष्यत्व जो है वो दो पैर वाला होना ये मनुष्य का मनुष्यत्व नहीं है, क्योंकि दो पैर तो बानर के भी होते हैं, दो हाथ होते हैं दो पैर होते हैं। बानर को भी सिखा दिया जाए तो वो कंधे पर डंडा रख के और दोनों हाथ उसमें फंसा के और दो पांव के बल पर चलता है। आपने बंदर को दो पांव के बल पर चलते कभी न कभी देखा होगा, वन मानुष दो पांव के बल पर चलते हैं। तो दो पांव होना या दो हाथ होना मनुष्य का लक्षण नहीं है। मनुष्य का लक्षण है बुद्धि होना, बुद्धिमान होना। और कैसी बुद्धि होना, कैसी बुद्धि होना जिससे बड़ी और कोई बुद्धि ना हो। सबसे बड़ी बुद्धि कौन सी होगी? जहां अद्वितीय आत्मा का ज्ञान होगा, जिसमें द्वैत होगा ही नहीं। सबसे बड़ी बुद्धि वो होगी जब बुद्धि अद्वैताकार होगी, जब बुद्धि अद्वैत में स्थिर हो जाएगी। तो देखो, बुद्धि का नाश हो जाएगा तब तो होगा मनुष्य का विनाश। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। गीता में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु अगर कोई मानी गई है तो बुद्धि मानी गई है। बुद्धि युक्तो जहाति है वे सुकृत दुष्कृत तदा बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते। भगवान की भक्ति करो और लो बुद्धि जोग। भगवान ने साफ कह दिया कि देखो, एक और विनाश है और एक और अविनाशी है, दोनों में से तुम एक को पहचान लो। अविनाशी कहाँ है? कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्तः प्रणश्यति। बुद्धिनाशात प्रणश्यति नमे भक्तः प्रणश्यति। मेरे भक्त का नाश नहीं होता, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का नाश हो जाता है। माने मेरा भक्त सबसे बुद्धिमान है, ये बात निकली कि नहीं निकली? यही बात निकली ना कि मेरा भक्त सबसे बड़ा बुद्धिमान है। और जो अपनी बुद्धि को काम क्रोध लोभ में लगाए हुए है वो अपने नाश का द्वार, अपने नाश का फाटक खोल रहा है। अब प्रश्न यह है कि आखिर काम करने का कोई तरीका तो होगा ना, कोई रीति होगी काम करने की, जिस रीति से काम करने पर हम बंधन में न फंसे। देखो, तीन बात होना जरूरी है। एक तो दुख न हो, क्योंकि आप में से कोई दुख नहीं चाहता है। हम ये नहीं चाह कहते हैं कि आप आनंद चाहिए, हम ये कहते हैं कि आप लोगों में से कोई दुख को पसंद करता है तो भाई दुख को तो हम पसंद नहीं करते हैं, हैं? तो निर्दुख स्थिति प्राप्त करने की क्या कोशिश करते हैं आप? दूसरी बात यह है कि हम अज्ञान में न रहें। दुनिया में सब लोग हमको बेवकूफ ही तो बनाते हैं ना। आप देख लेना, विचार करके देख लेना, ग्राहक दुकान पर आता है तो वो दुकानदार को बुद्धिमान बनाने के लिए नहीं आता, बेवकूफ बनाने के लिए आता है। अच्छा, तो दुकानदार तो ग्राहक को बुद्धिमान बनाता होगा, कहा वो बताता है देखो ऐसी क्वालिटी है ना, और इसकी ये कीमत है, कहीं तुम दूसरी जगह फंस मत जाना। दुकानदार लोग ग्राहकों को बहुत बुद्धि देते हैं, पर अंत में ऐसी धीरे से बुद्धि काटते हैं महाराज, काट ही देते हैं। दुकानदार बुद्धि नहीं देते ग्राहक को, है ना? दूसरी ओर बुद्धिमान बनाते हैं, दूसरी ओर उनकी नजर फेंक कर देते, वो तुमको उल्लू बनावेगा उस दुकान वाला, वो तुमको बुद्धू बनावेगा, वो तुमको ठगेगा, है ना?
दूसरे लोग तुमको ठग लेंगे ये डर पैदा करके, और वो तुम्हारी बुद्धि को काट लेगा। तो संसार में व्यवहार की जो रीति है, संसार में जो व्यवहार की रीति है वो यही है। तो किस ढंग से आखिर हम क्या काम करें, और ग्राहक दुकानदार को और दुकानदार ग्राहक को, निर्बुद्धि बना रहा है, बुद्धि नाश की ओर ले जा रहा है। तो आखिर हमारे काम करने का कोई न कोई ढंग तो होना चाहिए, जिस ढंग से काम करने पर हमारी बुद्धि का नाश न हो, हमारी बुद्धि बढ़े, पूर्ण हो और परमात्मा की प्राप्ति हो। सत्ता के विपरीत मृत्यु है और चित्ता के विपरीत अज्ञान है और आनंद के विपरीत दुख है। यदि आप दुखी हैं, यदि आप अज्ञानी हैं, यदि आप मृत्यु के भय से संतृप्त हैं, तो आपके लिए काम करने का ठीक ढंग आना चाहिए। काम करने का ठीक ढंग क्या है, यही तो हम बोल रहे हैं कि जीवन व्यस्त हो और परमात्मा से हम मिले हुए हों। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हियासु बुद्धि। यहाँ भी आ गई बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हम जिस ढंग से काम बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन हम तुमको एक ऐसी बुद्धि देते हैं कि ये बुद्धि जब तुमको मिल जाएगी तो युद्ध भूमि में तुम बाण चलाते रहो और तुम्हारा नाश नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि बनी रहेगी, न तुम्हारा आनंद खोएगा, न ज्ञान खोएगा, न सत्ता खोएगी। और हम ऐसी बुद्धि तुमको बताते हैं कि न तुमको दुख होगा, न ज्ञान तुम्हारे पास आएगा, न मृत्यु आएगी। सबसे बचने वाली बुद्धि हम बताते हैं। आखिर काम कैसे करना चाहिए, काम करने का ढंग आना चाहिए। बोले वो ढंग क्या है, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। आप संसार के विषयों को चरने दीजिए, इनको गायों को, गाय जो है वो घास चरती है तो गाय घास चरे, है ना। विषयान इंद्रियैश्चरन्, इंद्रिय ही गोभी ही विषयान चरन, ये इंद्रिय रूपी जो गौएं हैं इनसे विषय रूपी घास को चरते रहो। परंतु राग द्वेष वियुक्त होकर के, राग द्वेष वियुक्त इंद्रिय कैसी हो का कहीं राग में फंस न जाए, कहीं द्वेष से नफरत न कर बैठे, एक पहली बात यह है। दूसरी बात क्या है कि आत्मवश्य, ये नहीं कि जब जीव खाने लगे तो हम रोकना चाहें और फिर भी न रुके, बोले भाई ये बात खा लो कल देखा जाएगा, है ना। एक बार कहा चुप और जीव चुप हो गई, एक बार कहा बस आंख अभी मत देख और न देखे। एक बार बोले अरे मन, हमको एक महात्मा ने बताया था, क्या बताया था कि तुम मन के मालिक हो, तुम मन के नौकर नहीं हो। अगर मन तुमको हुक्म दे कि ये काम करो तो उससे पूछो कि बाबा मालिक मैं कि तू है? जब मन कहे कि ये काम करो तो उससे पूछो कि मालिक मैं कि तुम, है ना। तो हाथ जोड़ देगा कि मालिक तुम। अब उससे कहो कि तुमको हमारे कहे अनुसार काम करना चाहिए, तुम्हारे कहे अनुसार हमको नहीं करना चाहिए। मन ने कहा आज बड़ी बुद्धिमानी की बात बताते हैं, कहा बस ये काबू में करने की युक्ति है। ये नौकर चाकर लोग होते हैं, ये फायदा करा, ये फायदा करा, ये फायदा करा, आपको ये लाभ पहुंचाया, ये लाभ पहुंचाया, और उसके बाद मालिक पर हावी हो जाते हैं, काबू में कर लेते। आत्मवश्य विधेय आत्मा, विधेय आत्मा का अर्थ है कि तुम्हारा मन तुम्हारा आज्ञाकारी होए तब तुमको सफलता मिलेगी। मन और इंद्रियों की आज्ञा के अनुसार तुम मत चलो, तुम्हारी आज्ञा के अनुसार तुम्हारी मन और तुम्हारी इंद्रियां चलें। अच्छा अब ये प्रसंग तो बड़ा है ना,
तो मनुष्य को किस बुद्धि से काम करना चाहिए कि काम भी करता जाए और अंतःकरण निर्मल भी हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाए, शांति भी मिल जाए,